तो देखो अगर आपको कहीं जाना है पर आप अगर आपको ट्रेन सर्च करना है तो आप यहाँ पर ट्रेन सर्च कर सकते हैं, उस ट्रेन का सीट अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, डेट चेक कर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन नहीं कर सकते हैं। हाय गाइस, स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं IRCTC अकाउंट कैसे बनाएं, यानी हाउ टू क्रिएट IRCTC अकाउंट इन 2022। देखो अगर आपको कहीं जाना है और आपको ट्रेन का टिकट बुक करना है या फिर रिजर्वेशन करवाना है तो इसके लिए आपको जाना होगा IRCTC के वेबसाइट पे या फिर उसके ऐप पे, जहां पे आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका अकाउंट ही नहीं है तो आप कैसे टिकट बुक करोगे? तो अभी मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि किस तरीके से जो है आप IRCTC में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और समझते हैं पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपके फोन में IRCTC ऐप नहीं है तो सिंपली से आप प्ले स्टोर पे आ जाओ और इसको इंस्टॉल करके ओपन कर दो। और यहाँ पे देखो ये ओपन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे जो है इसका डैशबोर्ड जो है ओपन हो चुका है। तो देखो अगर आपको कहीं जाना है और अगर आपको ट्रेन सर्च करना है तो आप यहाँ पर ट्रेन सर्च कर सकते हैं, उस ट्रेन का सीट अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, डेट चेक कर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो लॉगिन का ऑप्शन है, यानी कि अभी तक यहाँ पे लॉगिन नहीं हुआ है। लॉगिन कब करोगे? जब आपके पास अकाउंट होगा। तो चलो अब हम सिंपली से इसका अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो नीचे में देखो माई अकाउंट का एक सेक्शन है, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो लॉगिन का एक पैनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो फिलहाल हमें तो यहाँ पे न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे रजिस्टर यूजर का जो ऑप्शन दिख रहा है सिंपली से यहाँ पे क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जो है एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है अपना पर्सनल डिटेल्स वगैरह यहाँ पे फिल करना है। तो देखो ऊपर में आपको लिखा है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अब देखो ये दो ऐसे चीज है आपको एकदम फ्रेश डालना है, यानी कि इससे पहले IRCTC अकाउंट में किसी ने यूज ना किया हो। अगर यूज होगा तो यहाँ पे ये नहीं लेगा, ठीक है, ये फ्रेश होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, फिर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन एक पिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे पिक करके आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। देखो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन जो होता है ना फॉर फ्यूचर के लिए होता है कि इनकेस अगर आपके अकाउंट के साथ कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप जो है इसके मदद से आप इसको रिकवर कर सकते हैं। आगे दो ऑप्शन है, ऑक्यूपेशनल और मैरिटल स्टेटस। ये दोनों ऑप्शनल है, अगर आपको फिल करना है तो कर सकते हैं, स्किप करना है तो स्किप कर सकते हैं। चलो अभी फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ, और भी फॉर्म है, तो सिंपली से नेक्स्ट पे क्लिक करो। और अब जो है यहाँ पे आपके सामने और भी ऑप्शन दिख रहा है रेसिडेंस एड्रेस का। उसके जस्ट नीचे में यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिख रहा है जहाँ पे लिखा है कॉपी रेसिडेंस एड्रेस टू ऑफिस एड्रेस, यानी कि आपका रेसिडेंस एड्रेस ही आपका ऑफिस एड्रेस है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आके आपको मैनुअली भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको स्ट्रीट, एरिया, ये दोनों ऑप्शनल है, भरना है तो ठीक है वरना स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कंट्री, पिन कोड, सिटी, स्टेट, पोस्ट ऑफिस, और आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नीचे आपको रजिस्टर का एक ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली से यहाँ पे क्लिक कर दो। अब देखो एक छोटा सा पॉपअप आ गया है जहां पे लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जो है फॉर्म फिल हो गया है, और यहां पे अब आपको जो है अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको वेरीफाई करना है जो अभी आपने डाला था। तो सिंपली से यहां पे ओके कर दो, और अब जो है यहां पे लॉगिन का पैनल वापस ओपन हो गया है। तो अभी जो आपने यूजर नेम और पासवर्ड डाला था वो यहां पे फिल करके कैप्चा डाल दो। उसके बाद यहां पे आप यहां पे लॉगिन कर दो। जैसे यहां पे लॉगिन होगा तो अब जो है यहां पे देखो बोल रहा है कि जो आपका ईमेल आईडी था उस पे और आपका मोबाइल नंबर जो आपने डाला उस पे, दोनों पे एक OTP गया होगा, आप यहां पे फिल कर देना है। तो जो ईमेल वाला OTP है वो यहां पे फिल कर दो, जो मोबाइल वाला OTP है वो यहां पे फिल कर दो, और सिंपली से वेरीफाई यूजर पे क्लिक कर दो। जैसे ही यहां पे वेरीफाई यूजर पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो कि यहां पे एक ऑप्शन आ गया है, मतलब यानी कि पॉपअप आ गया है जहां पे लिखा है कांग्रेचुलेशंस, आपका OTP जो है सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। तो अब सिंपली से ओके कर दो और वापस से आपको यहां पे लॉगिन करना है। तो फिर से वही सेम चीज, अपना यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा डाल के यहां पे लॉगिन कर दो। और अब जो है यहां पे आपसे बोला जा रहा है कि जनरेट पिन, यानी कि आपको एक पिन जनरेट करना होगा जो कि बेसिकली 4 डिजिट का होगा, ठीक है। फ्यूचर में जब आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट में तो आपको इसी पिन के थ्रू आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो 4 डिजिट का यहाँ पे डाल दो, फिर कंफर्म यहाँ पे वही सेम डिजिट डाल दो और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दो। और देख सकते हैं कि यहाँ पे सक्सेसफुली मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अब अगर मुझे अपने लिए या फिर किसी और के लिए भी अगर टिकट बुक करना है तो मैं आराम से कर सकता हूँ। और इसी मेथड को फॉलो करके आपने भी जो है अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है और आप भी जो है ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और यार दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सजेशन है या फिर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर देना। 100% ट्राई करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। और अगर आपका कोई जेन्युइन सवाल हुआ तो आपके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और हाँ, यहाँ पे दो वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, जो भी आपको जानना है उस पर क्लिक करो एंड एंजॉय करो।